अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। रोहित शर्मा और विराट कोहली की इंडियन क्रिकेट टीम में अचानक से वापसी हुई है। ओडीआई सीरीज के अंदर उनको शामिल कर लिया गया है श्रीलंका के खिलाफ। कहा यह जा रहा था कि वो लंबे रेस्ट पर जाएंगे, वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनको इनाम दिया जाएगा, लंबी छुट्टियां दी जाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। अब इसके पीछे से इंडियन मीडिया रिपोर्ट ये कर रहा है कि देखें, हेड कोच गौतम गंभीर के कहने पे इन दोनों खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया है, क्योंकि उनका एक स्टांस ये है, उनका मोटिव ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि अगर तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है और 2027 का वर्ल्ड कप खेलना है तो रेस्ट कोई नहीं है, अपना 100% बल्कि 110% देना पड़ेगा इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, और सीनियर्स को भी जूनियर के साथ पूरा टाइम देना पड़ेगा इंडियन टीम को। तो गौतम गंभीर ने कहा है कि भाई विराट कोहली होगा अपने घर पे होगा, रोहित शर्मा होगा अपने घर पे होगा, भाई इंडियन टीम को टाइम दो। देखिए, एक तरफ अगर मानी गौतम गंभीर है, दूसरी तरफ विराट कोहली है, तो देखिए प्यार से हैंडल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता, गौतम गंभीर की जो भी नेचर होगी, विराट कोहली को आप वैसे ट्रीट नहीं कर सकते जैसे आप दूसरे प्लेयर्स को करेंगे। और ये बात गौतम गंभीर को भी पता है। देखिए, इनका पास भी रहा, आपको पता है आईपीएल में लड़ाई झगड़ा रहे, आपस में बहस भी हुई है। मुझे नहीं लगता कि जब टीम में इकट्ठे आ जाएंगे तो इनका अगर तो ये जो खबर सच है ना, अगर गौतम गंभीर ने कहा है तो वाकई जबरदस्त इंडियन क्रिकेट टीम नंबर वन टीम पे है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो भी हेड कोच आता है, प्लेयर पावर इतनी ज्यादा होती है कि हेड कोच बेचारा ना भीगी बिल्ली बना होता है। हेड कोच को समझ नहीं आ रही होती मैं किसको मनाऊं, किस प्लेयर को ना मिलाऊं। अगर तो ये बाकी न्यूज सच है और गौतम गंभीर ने बोला है कि भाई मेरी चलेगी यहाँ पर और आपको 100% देना पड़ेगा, तो एवे इंडियन टीम नंबर वन नहीं बनी। और इनके असूल है, देखिए हेड कोच को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी जाती है। हालांकि विराट कोहली को क्रिकेट में हेड कोच की जरूरत है नहीं है, रोहित शर्मा को सीखने की जरूरत है नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह लें कि हेड कोच को इतनी रिस्पेक्ट दी गई है कि उनके कहने पे रोहित शर्मा और विराट कोहली वापस आए, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। गौतम गंभीर को हमारी जब मिल रही थी, जॉब मिल रही थी, तब उन्होंने डिमांड रखी थी कि मुझे सिलेक्शन में पूरा पूरा से चाहिए, मुझे अपनी मर्जी की टीम चाहिए, मुझे अपने खिलाड़ी चाहिए। तो अगर विराट कोहली रोहित शर्मा वापस आए हैं तो गौतम गंभीर को चाहिए वो खिलाड़ी, वो उनको खिलाना चाहते हैं इंडियन टीम की तरफ से। और आपने सही कहा कि उन्होंने गोल सेट किए होंगे। देखिए, उनको भी पता है गौतम गंभीर आने वाली, गौतम गंभीर जो है वो कलकत्ता को इस बार आईपीएल जितवा चुके हैं अपनी हेड कोचिंग की वजह से, और साथ साथ जो पिछले जो हेड कोच है उनका रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है, रवि शास्त्री का और जो राहुल द्रविड़ है, इन दोनों का जो रिकॉर्ड रहा है पीछे एज अ हेड कोच बड़ा जबरदस्त रहा है। तो गौतम गंभीर के लिए भी आसान जॉब नहीं है, वो भी बहुत बड़ा नाम है, वो भी नहीं चाहेंगे यार कि मेरी हेड कोचिंग के अंदर इंडियन टीम स्ट्रगल करे या बुरा परफॉर्म करे, इसलिए वो किसी चीज को राय नहीं देना चाह रहे। गौतम गंभीर तो जाएंगे ना, मैं भी बड़ा नाम हूँ, मेरी भी कोई इतनी इज्जत, कोई ट्रॉफी उनके भी यानी के खाते में आए, वो ऐसा नहीं होगा। वो चाह रहे होंगे कि मेरे एक दो आईसीसी ट्रॉफी इंडिया को दिला के जाऊं ताकि उनका भी नाम बने, जिस तरह वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। तो अभी भी अपनी कोचिंग में भी कह लो कि जिस तरह आप राहुल द्रविड़ ने एक आईसीसी ट्रॉफी इनको दे दी है, तो चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए। वैसे भी इनके जब ये हेड कोच थे कलकत्ता के, तो आपको पता है सुनील नारायण से बैटिंग करवा देते हैं, तो ये मशहूर है, इन पर मीम भी बनती है कि ये बैटर से बॉलिंग करवाते हैं और बॉलर से बैटिंग करवाते हैं। तो देखिए, इंडियन टीम जो है एग्रेशन निकालेगी। अब इनके प्लेयर्स सही सही गालियां निकाला करेंगे ग्राउंड में। देखिए, प्लेयर का फर्क पड़ता है, ये जब खुद खेलते थे ना तो बहुत ही अग्रेसिव थे और लड़ाई झगड़े करते थे, तो ये अपने प्लेयर्स को भी सिखाएंगे। विराट कोहली रोहित शर्मा अगर ना भी करें तो ये जो यंगस्टर्स आ रहे हैं ना, ये इनसे भरपूर ये गालियां निकालेंगे, बदतमीज बना देंगे, अपनी तरह बदतमीज बना देंगे दूसरे प्लेयर। विराट कोहली के टर्नओवर पे इंडियन टीम बदतमीज थी, टेस्ट मैच में कमाल कर गई थी। तो मुझे लगता है कि जो बदतमीज टीम होती है ना, वो आजकल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो टीम आपको पता है जब स्लेजिंग करती थी तो वाकई जबरदस्त टीम बन गई थी। क्रिकेट का पार्ट है स्लेजिंग, और वाकई गौतम गंभीर को पता है कि प्लेयर को लड़ाना किस तरह, अपने प्लेयर्स को ट्रेन किस तरह करना है। और कोई लड़ाई झगड़ा होगा ना तो गौतम गंभीर पीछे जरूर खड़ा होगा, ये नहीं है कि साइड पे हो जाएगा। गौतम गंभीर पूरा अपना प्लेयर को बैक जरूर करेगा, इतना तो मुझे पता है उनका, क्योंकि जब विराट कोहली जैसे बंदे को उन्होंने आईपीएल में नहीं बख्शा था और अपनी टीम के पीछे लग गए थे। और आपको ऐसा लगे करेगा जब ये कोचिंग करेंगे ना कि बिल्कुल ही गुस्से में है, ये अपने प्लेयरों से नाराज है, क्योंकि आपने पता है जब ये हंसते ही नहीं है, ये डगआउट में बैठे होते हैं, इतना गुस्से वाला मुंह बना के बैठे होते हैं, तो प्लेयर्स के लिए बहुत कम हंसते हैं। बहुत सख्त वक्त दिन आने वाले प्लेयर्स के लिए, लेकिन ये मुझे लगता है कि लड़ाइयां ही डलेंगी। हमने एक वीडियो बनाई थी ना एक खड़ूस टीचर वाली, वही हिसाब है, खड़ूस टीचर मिल गया इंडियन टीम को, लेकिन अच्छा टीचर है। देखिए, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं इनके साथ बॉन्डिंग उनकी है, जो खड़ूस होते हैं ना टीचर, वो देखे खुद तो खड़ूस होते हैं लेकिन बच्चों का रिजल्ट वो अच्छा ले आते हैं, तो रिजल्ट ही मैटर करता है। टीम अगर अच्छा कर जाएगी तो कोई बात नहीं, खड़ूस होकर कर जाए, लेकिन देखे रवि शास्त्री का जो दौर था ना मानी, वो दौर जो था ना इंडियन टीम मिस करेगी। वहां पर जो कह दो टेस्ट में मजे उन्होंने मजे बड़े दिए थे, प्लेयर के साथ उनकी बॉन्डिंग ऐसी थी, दोस्ती यारी वाला माहौल था। अभी वो बात करते हैं कि फेवरेट कोच जो अगर कोई भी हिस्ट्री में अगर गुजरे हैं ना, तो रवि शास्त्री को बड़ा लाइक करते हैं इंडियन प्लेयर। उसके बाद आए राहुल द्रविड़, पहले राहुल द्रविड़ ठंडे थे, राहुल द्रविड़ थे यार, इन दोनों के रिकॉर्ड बड़े अच्छे थे, तो इनको भी ये चाहेंगे कि यार मेरा रिकॉर्ड भी अच्छा हुआ है इंडियन टीम के साथ,
तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो खबर आई है कि गौतम गंभीर बहुत सख्त है और उनकी वजह से ये दोनों खिलाड़ी वापस आए, इसमें कितनी सदाकत है आप लोगों ने बताना कमेंट सेक्शन में और चैनल को सब्सक्राइब। और एक बात जो रहेगी कि गौतम गंभीर के आने से मानी ये क्या बात होने लगी है कि गौतम गंभीर कोच बन गए, अब तो इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, कभी भी नहीं होगी, गौतम गंभीर भी कहेंगे मैंने इंडिया नहीं पाकिस्तान नहीं जाना, ये कहां से बात निकल आई? वो सियासत में थोड़ा इन्वॉल्व है इस वजह से, लेकिन ये बात ये मेरा नहीं ख्याल कि गौतम गंभीर ऐसे कोच मना कर सकते हैं किसी भी चीज से। अगर क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया वो मीडिया की न्यूज है, वो अलग टॉपिक है, अगर इसमें बात करेंगे तो लंबी हो जाएगी कहानी। बीसीसीआई ने कह दिया कि जो हमारी गवर्नमेंट कहेगी, और गवर्नमेंट मुझे लगता है कि क्या कहेगी वो अलग, लेकिन ये जो आप मीडिया इंडियन मीडिया जो गौतम गंभीर पे डालने लग गया है कि गौतम गंभीर आ गया है, अब तो कोई टूर ही नहीं है, अब तो पाकिस्तान भूल जाए, मुझे ये बात की समझ नहीं आ रही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अल्लाह हाफिज़।